गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डूडल की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ दाल तड़का। तो चलिए देखते हैं कि इस दाल तड़का को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। यहाँ मैंने एक कुकर में 1 कप चना दाल और 3 बड़ा चम्मच मूंग दाल जो है उसे धोकर 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा था, और उस दाल को अभी मैं साफ पानी में उबाल रही हूँ। मैंने पानी में नमक और हल्दी ऐड कर दिया हुआ है। गैस की आंच जो है वो मैंने तेज रखी है। मैं कुकर का ढक्कन लगाकर इस दाल को अच्छी तरह 5 से 6 सीटी होने तक पकने देती हूँ। इस दाल तड़का की और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं: सरसों का तेल, घी, दाल तड़का मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हींग, ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं। साथ ही साथ इसमें 1 लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच जीरा भी है। सूखे मसालों में मैं लूँगी हल्दी, नमक और गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही साथ मैं लेने वाली हूँ ये 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ लाल टमाटर और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इस कुकर ने लगभग 6 सीटी दे दिया है। अब मैं गैस रिलीज होने का वेट करूंगी और तब तक इस कढ़ाई को गर्म करती हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ये 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच घी डालकर गर्म होने दूंगी। और तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये 1 चुटकी हींग और ये सभी सूखे मसाले डालकर स्प्लटर होने दूंगी। जैसे ही मसाले स्प्लटर होंगे मैं ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ऐड करूंगी। गैस की आंच हमें मध्यम ही रखनी है। साथ ही साथ मैं ऐड करूंगी ये 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन्हें अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए भून लूंगी। इन मसालों को भूनते हुए करीब 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। नमक हमें हिसाब से ही डालना है क्योंकि दाल पकाते समय भी मैंने उसमें नमक डाला हुआ है। दो छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच दाल तड़का मसाला पाउडर। और इन मसालों को भी हमें 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। मसालों ने तेल छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ ये दाल भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इस दाल को इस तड़के में ऐड करूंगी। और इसे धीमी आंच पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए पकने देती हूँ।
ये दाल अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं गैस बंद करके इस दाल को सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। और ऊपर से अब मैं थोड़े से धनिया के पत्ते डालूंगी। अब ये दाल तड़का खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको मेरे इस दाल तड़के की सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।